First Choice Kids Wear धमाका सेल ऑफर अप टू 40-60% डिस्काउंट के साथ स्पेशलिस्ट इन किड्स वेयर फैंसी बाबा सूट चूड़ीदार वेस्टर्न आउटफिट होस्ट्री आइटम्स और भी बहुत कुछ फर्स्ट चॉइस नॉर्थ आर से है आपकी चॉइस वैरायटी की भरमार अच्छी क्वालिटी कम दाम आज ही आए फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर मशहूर शायर मुनव्वर राना के घर देर रात में पुलिस ने तलाशी ली। राजधानी लखनऊ में शायर मुनव्वर राना के घर देर रात यूपी पुलिस ने दस्तक दी और अचानक पुलिस का आना घर वालों को हैरान कर गया और कई तरह के सवाल भी पूछे गए, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और सिर्फ घर की तलाशी लेते रहे। मुनव्वर राना की बेटी और कांग्रेस नेता फौजिया राना ने सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल करते हुए लोगों से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि डराया जा रहा है, परिवार के लोगों को परेशान किया जा रहा है, फौजिया राना प्रशासन पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पापा बीमार हैं, उन्हें भी परेशान किया जा रहा है, पुलिस पर बिना सर्च वारंट घर के अंदर तक पहुंच जाना और घर की तलाशी लेना, मुनव्वर राना को घर के बाहर बिठाए दिए जाने पर इस तरह के कई आरोप पुलिस पर लग रहे हैं। आप बिना अलाउ करे आप अंदर को किसने आने दिया आपको? एक्सक्यूज मी, आप अंदर कैसे आए? अंदर लेडीज हैं, ठीक है, आप बेल बजा के आएंगे ना अंदर? ये आपका वे अंदर आने का? बंद कर लीजिए। नहीं, हम तो बंद कर लेंगे, पर ये आपका कोई तरीका नहीं है कि अंदर औरतें होंगी, आप ऐसे अंदर आ गए? कोई भी कैसे भी लेटा हो सकता है, किसी के घर में कुछ भी हो रहा होता है, आप अंदर चलते चले आ गए, होता है ही हुआ है। किसने आपको परमिशन दी अंदर आने की? इधर जवाब देंगे? आप ही लोगों से बात कर रहे हैं? इस वक्त हम अपने घर के बाहर हैं, आप देख सकते हैं कि पापा भी बैठे हुए हैं और पुलिस ने पूरे मेरे घर को घेर रखा है। पुलिस ने पूरी तरीके से पूरे मेरे घर को घेर रखा है, पापा के घर को मतलब। और जो उस दिन फायरिंग का कांड हुआ था, बजाय इसके कि तफ्तीश करने के, पुलिस पूरी तरीके से इस केस को क्या करने पे लगी हुई है, यानी कि इनसे मुजरिम तो पकड़े नहीं जा रहे हैं और उल्टे ये आकर के हमारे वहाँ दबिश डाल रही है, बदतमीजी कर रहे हैं और बदतमीजी कर रही है पुलिस। उसके अलावा ऊपर घर के अंदर लेडी पुलिस गई हुई है दबिश डालने के लिए। मेरी मीडिया से गुजारिश है कि जितने लोग भी मीडिया के भाई हैं वो इस वक्त यहाँ पर तशरीफ लाएं और इनके कारनामों को देखें। FI ढींगरा अपार्टमेंट में, पापा के घर पे, लाल कुआं में लाश पड़ी मिलेगी बिकरू कांड की तरह, इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? नहीं तो आपने जब उनसे रोकने की कोशिश की तो आपके साथ क्या कहा किया उन्होंने? उन्होंने हमसे भी कहा कि आप हटिए, हमने कहा आप मुझे कि हम इनको जेल ले जाएंगे, उनको जेल ले जाएंगे। मैंने कहा आप कहीं ले जाना है, आप मुझे ले चलिए, मैं उसका बाप हूँ, मेरी सबसे बड़ी गलती ये कि मैंने पैदा किया है, आपके पास कोई वारंट है, कुछ है, कागज है, कुछ वो कह लेंगे नहीं कुछ नहीं, आपसे मतलब नहीं, आप हटिए। मैंने कहा मैं कैसे हट जाऊंगा भाई, वो मेरी औलाद है, आप बताइए उसका कोई क्राइम है, कोई आप नोटिस लाए हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, सफेद गुंडागर्दी पूरे घर में, इधर उधर पूरा रास्ते रोक दिए, ना मीडिया को आने दिया, ना वकीलों को आने दिया, सरासर गुंडागर्दी। ऐसा ये तो मुनव्वर राना इस बिकरू कांड, तो ठीक है इनमें से कोई मुझे मार भी देता, अन्ना भी मारे तो जिन हालात में मैं हूँ मैं मर जाऊंगा मैं, लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो ये जो पुलिस वाले सब आए थे उसमें सब एक्यूज होंगे। लेकिन खवातीन के साथ बदतमीजी करने का कोई खवातीन पुलिस भी साथ में थे, पुलिस एहलकार? पुलिस तो एक नाम की एक कोई औरत थी, लेकिन सब गुंडागर्दी कर रहे थे। वो तो जो एक पुलिस का एक खेल होता है, ये मेरे साथ लेडीज पुलिस थी, एक पुलिस थी आज 5 कमरों में घुस करके हमारी जो बिहार से जो हमारी बेटी आई हुई है उसकी लड़की से,